ही है, ठीक है, ये हमने सेल टैक्स के पर्पसेस के लिए तो ले लेनी है, ठीक है, ये मैं बाद में कल पीछे स्टूडेंट की बात कर लेकर मैं आपको वापस आता हूँ। कुछ एक एक आधा ऐसा भी इसमें फ्लॉ है जो मैं चाहता हूँ आपको आइडेंटिफाई करें, तो मैं सारा कुछ आपको बताई जा रहा हूँ, तो मैं ही चाहता हूँ एक आधा इसमें और भी ऐसा फ्लॉ है जो शायद फ्लॉ तो हम उसको नहीं कह सकते, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है, वो हम आपने आइडेंटिफाई करनी है और वो उस इनवॉइस में ही थी। अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें तो बिल्कुल सेल्स रिटर्न वाला प्रोसीजर है, सप्लायर आई डी आपका एक ही है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आर एफ ए नंबर का मतलब होगा जी, हाँ जी बताएं जी आर एफ ए नंबर कौन सा है, ये बड़ा आराम से धोखा लग सकता है। बेसिकली यहाँ पे भी सिंपली आपका इनवॉइस नंबर आना चाहिए, ठीक है ना, तो आर एम ए नंबर क्यों नहीं लिखा, मैं भी आपको ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता, मुझे इतना पता है कि यहाँ पे जिस तरह हमने सेल्स भी किया था कि सेल्स इनवॉइस का नंबर है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि सप्लायर का जो पर्टिकुलर इनवॉइस थी जो आपने पहले पिछले में फीड इन की थी उस नंबर की आप बात कर रहे हो, और यहाँ पे भी आपस अगर एक ड्रॉप डाउन एरो आए तो आपको पता है कि कौन कौन सी इनवॉइसेस आपने डाली है, वो आपने फीड की हुई है, तो उस अगर पर्टिकुलर इनवॉइस से एक से ज्यादा इनवॉइस है तो वो भी आपके सामने चीजें प्रोडक्ट सीरियल नंबर आ सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके लिए आसानी हो सकती है।